देखिए गाइस, चाय के साथ या बच्चों के फेवरेट कुकीज, इतने यम्मी और इतने टेस्टी। आप इनका क्रिस्प देख सकते हैं इन जालियों से, तो इतना टेस्टी बिस्किट घर में बनाएं और बना करके अपने बच्चों को खिलाएं हेल्दी घर के बने हुए बिस्किट, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बिस्किट हमने कैसे बनाए हैं, तो बनाते हैं अपने। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं नान खटाई, या फिर आप बिस्किट मीठे बिस्किट भी कह सकते हैं। तो ये तीन इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे नान खटाई। देखिए, ये हमारा पौन कटोरी चीनी है, यानी एक कटोरी फुल भर के नहीं है, और ये हमारा एक कटोरी मैदा, और ये हाफ कटोरी हमारा घी, देसी घी है। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें हम अपना घी ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए गाइस, घी, इसमें हम घी ले लेंगे, और ये चीनी, ठीक है। आपने सारी चीनी डाल दी है। देखिए, मीठा थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि ये हमारा क्रीमी टेक्सचर बन जाए बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से करके हम फेंटते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, 1 मिनट में कितना बढ़िया क्रीमी एकदम टेक्सचर आ गया है इसका, एकदम व्हाइट हो गया है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम रखेंगे साइड में। चलिए और देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, हम अपना ले लेंगे मैदा। देखिए गाइस, हमने चीनी पीसी थी, उसको ही छान के लिया। देखिए, चीनी आप छान के ही लिया तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें जो दाने होते हैं वो निकल जाए, ठीक है। और इसमें अब हम डालेंगे 2 स्पून अपनी सूजी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ अच्छा सा स्पेशल सा क्रंच आए इस वजह से 2 स्पून सूजी लेंगे। ये देख सकते हैं गाइस, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। आप बेकिंग सोडा ले लें, अगर सॉरी बेकिंग पाउडर ले लें 1/2 टेबल स्पून। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, ठीक है। और अब इसको हम छान लेंगे, ठीक है। मगर जो बेकिंग सोडा से जो आता है टेक्सचर, वो और किसी से नहीं आता है। तो देखिए, ये इसमें छानेंगे ना तो सारा एक में ही मिक्स हो जाएगा सब। अब गाइस, ये देखिए, ये जो हमने छान कर मिश्रण रखा है उसको हम इसी में सारा का सारा डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से आप चाहें गाइस इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, 1 पिंच करीब, हम नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए गाइस, अब इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है, आपस में ही अच्छे से। और इसमें गाइस पानी वगैरह बिल्कुल डो नहीं लगाना है। अगर आपको लगता है जैसे कि हमारे बैटर में थोड़ा सा कम है तो आप घी ऐड कर सकते हैं, बट पानी या और कोई भी चीज ना लगाएं। तो चलिए इसको हम हाथ से कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, इसको हमें हल्के हाथों से ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगर ज्यादा प्रेशर देके करेंगे तो अच्छे से नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है लगभग, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, हमारे पास बटर पेपर नहीं था आज, इस वजह से हमने थोड़ा सा, ये देखिए, इस तरह का आप पेपर ले लें सादा, जैसे बच्चों के चार्ट पेपर वगैरह होते हैं जिन पर आर्ट बच्चे बनाते हैं। न्यूज़पेपर बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसमें इंक होती है तो वो नुकसान कर सकता है। तो ये देखिए, इस घी को हम पूरे पेपर पर स्प्रेड कर देंगे और ये हमारा बटर पेपर तैयार हो जाएगा, और ये एक बार इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस गाइस, इसको ये है कि आप हमेशा के लिए बनाकर नहीं रख सकते, ये एक बार बना लीजिए, 2 से 4 दिन आप यूज कर लीजिए, फिर दूसरा बना लीजिए, ठीक है। तो इनके दोनों साइडों पर हम ऐसे घी लगाएंगे। ये देखिए गाइस, इस तरह से हमने एक बेला लिया जिसमें अपना बटर पेपर जो बनाया था होममेड वो एडजस्ट कर लिया है, और हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है। लगभग 8 मिनट हो चुका है उसको प्री हीट के लिए। अगर आपको ये बनाना है तो आप प्री हीट के लिए 8 मिनट पहले ही कढ़ाई चढ़ा दें, जिससे कि वो ओवन का काम करेगा। अब इसमें से देखिए गाइस, थोड़ा सा बैटर लेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, और इसको हम गोल करेंगे ऐसे करके। देखिए, बहुत अच्छे से गोल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से करते हुए इसको अच्छे से हम गोल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से गोल हो गया, हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और ऐसे ही सारे बना लेंगे। और देखिए, हम कुछ कुछ दूरी पर इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि घी अभी फूलेगा ना तो ये फैलेगा, इस वजह से बनाते हैं। ये देखिएगा, इसको कुछ हमने बना लिया है और अब इनको बेक होने के लिए रखेंगे। देखिए, ये हमने बादाम कुछ काट लिए हैं इस तरह से, इनको हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर एक एक इस तरह से, थोड़ा सा दबाते हुए, जैसे ये निकले नहीं, बस थोड़ा सा दबाते हुए रखेंगे,
आप अपने मनपसंद फ्रूट रख सकते हैं या चेरी लगा सकते हैं, कुछ भी जैसे आपकी इच्छा हो। चलिए इसको अब हम रखते हैं बेक के लिए। ये देखिए गाइस, हमारी कढ़ाई बिल्कुल ओवन का काम कर रही है, बहुत अच्छे से हीट आ रही है। तो इसमें ये अपना स्टैंड रखेंगे और ये अपना रख देंगे पकने के लिए। 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल टच नहीं कर देंगे क्योंकि ऊपर से हमको दिखाई पड़ेगा कि हमारा बेक हुआ है या नहीं। और ये देखिए गाइस, ये होल है उसमें हम ये डाल देंगे जिससे कि जिसकी स्टीम है वो बाहर बिल्कुल ना निकले। और इसको अब अच्छे से कुक होने देंगे 10 से 15 मिनट तक। देखिए गाइस, जब तक ये कुक हो रहे हैं तब तक हम अपने उबाले बना लेते हैं। देखिए गाइस, हमने बोला था आपसे कि अगर आप पास पास में रखेंगे तो ये हाल होगा जो हमारे इन कुकीज का हुआ है। सारे कुछ आपस में ही चिपक गए हैं, बट हमारे बन चुके हैं तो इनको हम निकाल कर अलग रखेंगे। देख सकते गाइस, इधर कलर भी आ गया है लगभग ब्राउन हल्का हल्का, तो इसको हम निकालेंगे। ये देखिए गाइस कैसे हो चुके हैं, आपस में फूल गए हैं। तो चलिए इनको हम धीरे से हटाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने दूसरी भी रख दी है लेकिन अब की हमने काफी दूर दूर रखी है। और ये देखिए, ये भी बहुत टेस्टी बनी है। ये देखिए इनका कलर देख सकते हैं आप पीछे के, कितना प्यारा आया हुआ है। बट ये थोड़ा सा पतली हो गई है कुकीज, तो इनका कलर देखिए एकदम बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी है। अभी बहुत ज्यादा गर्म है तो इन्हें ठंडा होते हैं और इनको पका लेते हैं। देखिए गाइस, पहले जो बनाया था वो पास पास में रखा था इसलिए वो एक में चिपक गया था। और ये देखिए, अब दूर दूर बनाया है तो कितना अच्छा बन गया है। और इसको अब हम क्या करेंगे, बंद करेंगे फ्लेम को और ये देखेंगे, ठीक है। और इसको निकाल कर बाहर रख लेंगे और फिर इसी तरह से हम दूसरे भी बनाएंगे। तो बना लेते हैं सारे, फिर मिलते हैं। गाइस, हमारे सारे कुकीज बनकर रेडी हैं, तो चलिए इनको सर्व करते हैं। देखिए, इस तरह से जाली पर इसलिए रख दिया था गाइस क्योंकि ये गर्म थे, ताकि नीचे से हमारा मॉइस्ट ना हो जाए। इस वजह से देखिए, इसकी जाली देख सकते हैं और कलर देख सकते हैं। और गाइस, ऊपर से ऐसे ही व्हाइट आते हैं, कितना भी आप कर लीजिए। अगर ज्यादा बेक करेंगे तो नीचे से जल जाएंगे। ये देखिए गाइस, हमने सर्व कर दिए हैं अपने ये बिस्किट, और कितने टेस्टी, कितने यम्मी, और 10 मिनट में बन कर भी तैयार हैं। तो इसी तरह से घर के हेल्दी बिस्किट आप अपने बच्चों को खिलाएं, बनाएं। और गाइस, ये बिस्किट आप आटे से भी बना सकते हैं। तो देखिए, एक हम तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना यम्मी है। ये देखिए गाइस, अंदर तक बेक है, कितना प्यारा उसकी जाली आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। और गाइस, ये अभी गर्म है इस वजह से ऐसा है, और अभी ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल टेस्टी और बहुत यम्मी और बहुत क्रिस्पी होता है, एकदम मुंह में जाते हुए घुल जाएगा। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।